Welcome to the Kapil Sharma Show. Sidhu Bhaji. Haan ji. 500 ke kulle hain aapke paas. पर एक बात है पाजी, सालों पहले अनाउंस कर दिया था कि जब काला धन वापस आएगा तो सबके अकाउंट में लाखों रुपए आएंगे। ये बताया ही नहीं कि आपके खुद के ही आएंगे। डब्बा गोल हो गया सबका। पर क्या टाइमिंग है पाजी, हम लोग सोचते हैं हमारी बड़ी बोलने की टाइमिंग है, आपकी बड़ी बोलने की टाइमिंग है, लेकिन उनकी टाइमिंग देखो आप। पहले शौचालय बनवाए, उनको पता था जिन्होंने करोड़ों रुपए का गबन करके रखा है इनको दस लगने वाले हैं, तो शौचालय पहले बनवा दिए। पाजी कल मैंने मुंबई के एटीएम के बाहर इतनी भीड़ लगी देखी, पता नहीं डाल रहे थे निकलवा रहे थे, कुछ लोग तो बड़े चलाक, पहले तो 10-10 हज़ार भरते थे, 10 हज़ार एकदम करके बाहर आता ना, अभी लोग बड़े चलाक 500 भी नहीं भर रहे ना, 400-400 भल के डाल रहे हैं। अच्छा बैंक वाले भी बड़े चलाक है, आप 400 भरो 1000 का नोट ही निकलता है, ऊपर लिखा आता कीप द चेंज। अच्छा एक चीज बड़ी उल्टी हुई है क्या, कि जिन बीवियों ने 500-1000 के नोट जमा करके रखते ना पतियों चुपके, उनके पति बड़े भड़क रहे हैं कि और रख छुपा के, तेरे बाप की फोटो लगी थी तो छुपा के रख ली थी, अब अपनी माँ को साड़ी बनवा दे 1000-1000 के नोटों की। हमारी सरकार ने कई जगह पे छूट भी दी है, आप सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए खर्च कर सकते हैं। अच्छा जो लोग बीमार भी नहीं है ना वो अपने रिश्तेदारों को ढूंढ रहे हैं। चाचा आओ तुम्हारी पथरी निकलवा दूं, पथरी जा निकल गई बेटा, आओ फिर किडनी निकलवा दूं, किडनी तो बेटा मेरी पूरी है, तो 4 दिन ग्लूकोज पी के आ जाना, चलो चलते हैं। अच्छा बहुत से ऐसे हमारे देश में लोग हैं जिन्होंने करोड़ों रुपया जमा करके रखा हुआ घर के अंदर, अब क्या है अब बैंक में तो डाल नहीं सकते, अब क्या है जाके रिश्तेदार ढूंढ रहे हैं, ऐसे गरीब रिश्तेदार, उनको बोल रहे हैं कि 1.5 लाख ले लो मुझे, 1.25 दे देना। अच्छा सडनली गरीब आदमी अमीर हो गया, 1.25 में तो गुप्ते को मना किया, 1.15 लेना तो बोल। अच्छा पेट्रोल पंप पे देखो कितनी भीड़ बढ़ गई है, ऐसे लग रहा है जैसे पेट्रोल मुफ्त हो गया। अच्छा जिन लोगों के पास गाड़ियां नहीं वैसे लीटर लीटर लेके पी रहे हैं। अच्छा अब जो शादियों में लोग कैश निकलवा के शादियां करते हैं ना उनका बड़ा काम खराब हुआ है, अब तो जो शगुन डालेंगे वो भी नहीं डाल सकते ना, 5100-10 हज़ार। मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में ना वो स्वाइप मशीनें आने लगेंगी, लड़की का बाप लेके घूम रहा आपका हो गया कार्ड स्वाइप हो गया, आपका हो गया आपका नहीं हुआ, माता जी दही भले तो इतने डालें जैसे सारा कर करो इसमें, ऐसा होएगा आप चल के। अच्छा कुछ लोग इतने चलाक हैं उनको पता है 500-500 के नोट नहीं चले ना जाके मंदिर में चढ़ा रहे हैं। अच्छा कई मंदिरों ने तो लिख के लगा दिया आगे सामने भी जिसने 500 चढ़ाया भगवान दुआ कबूल नहीं करेंगे शराब लगेगा। अच्छा यहाँ पे हमारे जितने भी दोस्त बैठे हैं आपको क्या लगता है क्या परेशानी हुई है, अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है, आप लोगों का ओपिनियन क्या है मैं जानना चाहता हूँ। आए एक मोहतरमा आगे आई है। हेलो कपिल, हेलो सिद्धू पाजी, मेरे तो अपना पर्सनल ओपिनियन ये है हम जी. सारी हाउसवाइफ्स गई, हमारी जो चोरियां पॉकेट मनी उसमें से जो छुपा छुपा के रखा था हम तो बिल्कुल हमारी पोल खुल गई है, बैंक में जाए तो मरे, हस्बैंड को बताए तो मर गए, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जाए, किट्टी भी कैंसिल होगी हमारी तो आपको इनकम टैक्स का डर नहीं पति का ज्यादा डर है। छुपा के तो उन्हीं से रखे थे ना अल्टीमेटली, बस चलो उन्हीं के छुपा के रखे थे ना, उनको बता देती थोड़ी देर पहले तो उनको ज्यादा खुशी होती। पर आप जाके जमा करवा सकती हैं। हाँ जी वो तो है, उसके बाद भी नहीं अगर आप करवाते तो फिर बच्चों में दे दीजिए, वो बाहर बनाएंगे जहाँ आज। बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए, थैंक यू। अच्छा पाजी लोग इतने शातिर हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से दिमाग चलता है इनका, कल ट्विटर पे इतने लोग पागलों की तरह कर रहे थे सब मैसेज, एक ने तो किसी ने मुझे मैसेज किया कि अन्ना हजारे जी ने नाम बदल के अन्ना 2000 रख लिया। और कोई मेरे दोस्त जी आप पे तो बहुत असर हुआ लगता है 500 के नोट बंद होने का। हेलो हाय कपिल जी जी और सिद्धू जी का मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार, हमारा शरीर देख ही रहे कितना लंबा चौड़ा हूँ। भाजी का बिजनेस करता हूँ हमारा। अच्छा। वो खाता होता नहीं है बैंक में, कल मैं भाजी बहुत ज्यादा भरा। अच्छा और 8:30-8:30 के न्यूज में मोदी जी हमारे लिए बोल दीजिए 1500 का नोट नहीं चलेगा। अच्छा हम लोग सोचा जो सुबह बिकेगा धंधा होगा 100-250, तो सब लोग 1000-500 लेकर आ रहे हैं, और बताइए कपिल जी हम क्या करें, इतना ना हमारा खाता है ना कुछ है। हम एक स्कीम है ना, आप एक काम करो, कौन सा 500 रुपए किलो टमाटर बेचो, मैं तो तैयार हूँ देने के लिए। 20-25 हज़ार में 1 किलो भिंडी बेचो, उसके बाद बैंक में जमा करा दो, आपका टैक्स कट जाएगा, आपको फिर भी काफी आ जाएगा। कोई नहीं ले पा रहे हैं,
इसकी वजह से फोन करके आपके शो में आ गया, चलो मैं आपका शो देखने के लिए। बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए। क्या नाम है आपका? प्रभुनाथ यादव। प्रभुनाथ यादव, नाम तो बड़ा लंबा है आपका। प्रभुनाथ जी कहाँ से आए वैसे? मलाड़ से। मुंबई के रहने वाले हैं आप? नहीं, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का। तो कितने भाई बहन हैं आप? हम चार भाई हैं। अलग अलग हुए थे कि पिताजी ने खुले कराए थे? अरे मजाक कर रहा हूँ यार। प्रभुनाथ जी आप मजेदार आदमी है, मजेदार बातें करते, तो मैंने कहा थोड़ा हंसी मजाक कर लेते हैं। तीन बहन है। अच्छा जी। सबसे बड़े मैं ही हूँ। अच्छा जी। प्रभुनाथ जी, मैं, मेरे पास आपके लिए बड़ा खूबसूरत सा गिफ्ट है। एक मोबाइल लेके आओ यार, आइए आइए। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। ये आपके लिए है और इसमें आप सिम कार्ड डालिए तो आप बीवी के साथ इन टच रहिएगा। बीवी भी हमारे इतना है, बीवी मेरे से भी छोटी है। बीवी आपसे छोटी है? हमसे छोटी। मुसीबत जितनी छोटी है उतनी अच्छी है। हाँ, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू पाजी। ये चंदू को तो पता ही नहीं होगा 500,000 के नोट बंद हो गए। इनके पास पुरानी अखबार आती है, आपको पता है? इसके दादाजी ने अखबार दी थी, फेंक नहीं रहा, कहता मेरे दादाजी की आखिरी निशानी है। वो अखबार 1947 से पहले की है। तो मैंने कहा उसको फाड़ दे, कहता नहीं मैंने पार्टीशन नहीं होने देना। इसको तो ये भी नहीं पता कि प्रधानमंत्री मोदी है। बहुत पुरानी न्यूज पढ़ता है चंदू। ओ, आ रहा हूं यार, आ रहा हूं। ये देख लो पाजी, चाय मुफ्त की पीनी होती है। आवाज ऐसे लगा दे जैसे इन्होंने अपनी जायदाद मेरे नाम करनी है। और चंदू, ओ चंदू, जायदाद तेरे को जायदाद सूट करती? तेरे को दाद खाज खुजली सूट करती तू? वो कहीं भी हो सकती है। तेरे को इसलिए बुलाया और मैं तुमसे कुछ लेने नहीं, तुझे कुछ देने वाला हूँ। पैसे कितने तेरे उधार? बोल फटाफट, बोल 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 फटाफट। आप मेरा उधार चुकाना चाहते हैं? मेरे कानों को विश्वास नहीं हो रहा। चल फिर रहने दे। नहीं नहीं नहीं, अगर आप दे देंगे तो फिर विश्वास हो जाएगा। पैसे बोल कितने हैं? यही कोई 450। ये 450-550 मेरे को समझ में नहीं आता। अमीर लोगों को राउंड फिगर ले ले, 450। ये ले 10,000, 1,000 ऊपर से ले। ये 450 का राउंड फिगर 10,000? हाँ। शर्मा जी प्लीज मुझे बताइए आप इतने पैसे मुझे क्यों दे रहे हैं? यार तू चाय के पैसे रखना, बाकी फर्नीचर ले लेना। ये टायर अच्छे लगते, हटा इनको। क्या चाय की दुकान चला के तूने बेचनी है? तूने फर्नीचर नया लगा यार तू। ये मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मतलब क्या है इन सब का? इनका मतलब है 1,000 के 10,000। दादा हूँ मतलब क्या है? क्या मतलब है? एक मेरी मेरी बात सुनो, मेरे दोस्त के बारे में कुछ कहना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बस आज इसके पास पैसे आ गए हैं इसलिए ये मेरे पैसे भी लौटा रहा है। नहीं 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 नहीं, फिर बात मैं बताता हूँ क्या है। हाँ जी। Yes please। आईकेएसके। आईकेएसके मतलब? इशारों को समझा करो। तो ठीक है फिर, मैं भी इसके पैसे लौटा देता हूँ, तुम भी इशारों को समझते रहना, ठीक है? Okay. समझदार बने रहना। ये डॉक्टर साहब। हाँ जी। ये आपकी आंख क्यों फड़क रही है? भाई जैसे तुम्हारे थप्पड़ पड़ने वाला तो तुम्हारा कान फड़कता ना जैसे। वैसे ही जब पैसे आने वाले होते तो आंख फड़कती है। मतलब? बड़े मतलब यार, हर बात का तुम्हें मतलब पूछना होता है। मतलब मतलब सुनो। हाँ। मैं भी तुम्हें सोचता हूँ पैसे लौटा दो। कितना पैसा होता है तुम्हारा मैं तुम्हें देना? पक्का पैसे लौटाएंगे आप मेरे? कच्चा पैसे कैसे लौटाते हैं भाई? पक्का लौटाएंगे। कितना पैसा होता है बताओ? यही कोई 450। ये 450-150 मेरे को समझ में नहीं आता। ये ले 10,000 रुपए रख पूरे। देखिए ये डॉक्टर साहब, आपको हो क्या गया है? इसने भी मुझे 10,000 रुपए दे दिए, आप भी 400 के बदले मेरे को 10,000 दे रहे हैं। ये 500 के 1,000 के नोट कहीं लूट के तो नहीं लाए आप? नहीं नहीं, 500-1,000 के नोटों ने हमें लूटा है। मतलब यार, हर बात में मतलब मतलब, किसी की बात पे यकीन नहीं है तुमको। 10,000 रुपए ना इसको रखो, ये तुम्हारी दुकान का फर्नीचर चेंज करवा लेना, ये टायर अच्छे नहीं लगते यहाँ पे। फर्नीचर के पैसे मैंने दे दिए।
ऐसे कौन इन्फॉर्मेशन देता है भाई? हैं? फर्नीचर के पैसे मैंने दे दिए, मैं कह रहा था। अब आपको तो हाथ लगाना भी पाप है। डॉक्टर साहब उठो। ये मेरा पेन उधर रह गया था। उधर रह गया था। इधर आओ। फर्नीचर के पैसे क्या? फर्नीचर के पैसे मैंने दे दिए। अच्छा दे दे। तो ठीक है, एसी लगवा लो ना। एसी किधर लगवा? ओपन एयर दुकान में एसी लगवा ले। वो ओपन एयर एसी लगवा ले ना। क्या है जैसे यार, पर किधर खर्च करने समझ में नहीं आ रहा इनको यार। बस बस नहीं, मुझे पता चल गया है कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। ये पैसे मेरे लिए मायने नहीं रखते। नहीं चाहिए मुझे ये पैसे, मेरी दुकान चाहे बंद हो जाए। ये पैसे रख ले, इससे भी बंदी होनी है। मतलब यार तो फिर मतलब 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 फिर मतलब बड़ा मतलब ही है तो यार, इस पैसे को रख ले, रख इसको, रख ये पैसे अपने पास रख, ठीक है? तेरी मेहनत की कमाई है ये, समझ ले तू मेरी बात। खून पसीना किया तूने, रख इसको। मेरे खून पसीने कमाई, गुस्सा आप क्यों हो रहे हैं? अब हम तेरे पैसे नहीं देते तो तू गुस्सा करता था, अब हम पैसे दे रहे तू ले रहा, हम नहीं गुस्सा करेंगे, हमें गुस्सा। हाँ 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 भाई, हाँ करेंगे। ये रख लो पैसे, फिर रखना पड़ेगा, नहीं तो मुक्का मार ले तेरे। रख इसको। ठीक है फिर मैं रख लेता हूँ। थैंक यू माय प्लेयर। थैंक यू भाई, पैसे मिल गए। मिस हो गया। नहीं नहीं, मैंने बम्पर और लॉटरी के पैसे भी देता हूँ। अच्छा इसको पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? आज तो मैंने ना सारा माल लुटा देना। कपूर, कपूर, पकड़ मेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स में जा रही हूँ। पेपर कहाँ है? तो प्रॉपर्टी कहाँ है? एक बात बता, ये लकड़बग्गा बन के जा कहाँ रही है? उसे कोई फर्क पड़ेगा? इस घर में मेरी सुनता कौन है? इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि एक सेकंड नहीं रुकूंगी मैं आज। निकल ले, 3 सेकंड हो गए, चल। अच्छा, 3 सेकंड निकलते हुए तुझे दिखाई दे रहा है? हाँ? तेरी शादी की उम्र निकल रही है, वो तुझे दिखाई नहीं दे रहा? क्या शादी की उम्र कौन निकल गई है? तू तो ऐसे बोल रही जैसे मैं मुगलों को टिश्यू सप्लाई करता था। बड़े लोग आराम से शादी करते हैं। सलमान भाई को देखा, 50 के हो गए अभी तक नहीं कर रहे। सही है, उसने तो सिर्फ शादी नहीं की है, तूने तो कुछ भी नहीं किया है। वो निकलना नहीं है तेरी तरह। बिजी मैन है, बिजी मैन, उसको छोड़। मैं भी बिजी रहती हूँ। ऐसा बिजी आदमी होने का भी क्या फायदा, आदमी आदमी ना रहे। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, ओके? मैं तेरे नाना के साथ जा रही हूँ लड़की ढूंढने के लिए। नाना के साथ लड़की ढूंढने जा रही? पहले नाना को तो ढूंढ लो। अरे असली बात तो मैं तुझे बताना ही भूल गई। दरअसल तेरे नाना है ना, अमेरिका खोजने के लिए गए थे, आज ही वापस आए, टायर्ड एग्जॉस्टेड। नानी मैंने पढ़ी है सारी हिस्ट्री, अमेरिका कोलंबस ने खोजा था। नाना ने कब खोजा? तो कोलंबस ही तो तेरा नाना है। हैं? या उसका असली नाम कलाम बोस था। कलाम बोस, कलाम बोस, कलाम बोस, कलंबस, 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 बस उसका नाम कलंबस ठहर गया। ठीक है सुन, मैं तेरे नाना के साथ जा रही हूँ तेरी लड़की देखने के लिए, घर का ख्याल रखना, ओके? देखें तो जरा। तो कलाम बोस आप आ गए? हाँ मैं आ गया। और ये मैं क्या देख रही हूँ? क्या देख रही हैं? आप कितने लंबे लंबे बाल कैसे हो गए? जब आप यहाँ से गए थे आप तो कोपड़ गंजे थे। यानी तू गलत समझ रही है, नाना नहीं है। दूसरे की चड्डी का रंग तू कैसे बता सकता है? चलिए चलिए चलिए, ये जब हो ही गया है तो ये एक मिनट, ये तेरा नाना है कि नहीं मैं डिसाइड करूंगी। और वैसे भी तुझे पता है तेरा नाना है ना टाइटैनिक का पोज मस्त बनाता था। बिना देखे मैं समझ जाती थी उसकी पकड़ से कि ये तेरा नाना है। एक्सक्यूज मी, अनडिसाइडेड नाना, ये आपके लिए। मैं यहाँ ऐसे टाइटैनिक का पोज बनाती हूँ, बाकी आप तो समझदार हो। क
क्या हुआ? नाना करंट मार रहा है। हो गया ना डिसाइड, ये नाना नहीं है। ये तेरा नाना नहीं है। इसका नाना मुझे सिर्फ नहीं पकड़ता था सिद्धू जी, वो तो मुझे पीछे से धक्का दे देता था। नानी अभी फालतू बकवास नहीं करनी, अंदर जा, मेहमानों के लिए पानी पानी का बंदोबस्त कर। चल चाय तो बनाएगी नहीं, चलो हट, चलो चलो चलो। तो जोरदार तालियां मिस्टर मीर के लिए। थैंक यू, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है मीर। पाजी ये कोलंबस हैं। हाँ। इनकी फिल्म आ रही है पाजी। अच्छा। और ये बंगाली फिल्म है बेसिकली। और मीर आप अपनी फिल्म के बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। फिल्म ये है कि नाम उसका है कोलकाता है कोलंबस, यानी कि कोलकाता आते हैं कोलंबस, और कोलंबस अपने आप को बहुत बड़ा एक्सप्लोरर समझता है जी। लेकिन वो जब कोलकाता आके पहुंचता है और लोगों से इंटरेक्ट करता है, तब उसे पता चलता है कि उससे भी बढ़िया एक्सप्लोरर सारे घूम रहे हैं। अच्छा। इन्होंने तो देश की खोज की थी, बाकी लोगों को किसी को नौकरी की तलाश है, किसी को छोकरी की तलाश है, किसी को मकान की तलाश है। ये तो इसका हल मेरे ख्याल से कोलंबस के पास भी होगा कि पूरी बेरोजगारी कैसे खत्म करें और पूरी छोकरियां कैसे ढूंढ के दें सब लड़कों को। चलो बहुत बहुत शुक्रिया मीर। अच्छा मीर, आप एक बहुत अच्छे एंकर भी हैं, एक्टर भी हैं, आरजे भी हैं आप। शुक्रिया। तो आप क्या चाहते हैं, बंगाल में हमारा काम चले ना? नहीं, आप ही करते रहे। आपका शो मैंने बंगाल में देखा है। अच्छा, और आपके बहुत चाहने वाले हैं वहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ जो मैं आया हूँ आज जी, बहुत लोगों की दुआएं भी हैं कि आप द कपिल शर्मा शो में जा रहे हैं। सिर्फ मैं अपने फिल्म को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं बंगाल की तमाम फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। थैंक यू सुमीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी फिल्म को ढेर सारी सफलता मिले ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू सो मच। कोलकाता कोलंबस रिलीज हो चुकी है, कल रिलीज हुई थी, और इंशाल्लाह आगे भी चलेगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ कोलकाता कोलंबस और बंगाल के तमाम फिल्म इंडस्ट्री की ओर से। थैंक यू सो मच मीर। थैंक यू, शुक्रिया मीर। थैंक यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अरे कहाँ गुम हो गया ये? ए बम्पर, ये तो फिल्मों के पोस्टर चिपकाने का काम शुरू कर लिया क्या तुमने? कपूर शर्मा, आपकी आई साइड का साइट सीन करने गई हुई है, आपको दिखाई नहीं दे रही है, फिल्म का पोस्टर नहीं है। डॉक्टर परशुर गुलाटी गायब हो गए, खो गए हैं वो। अच्छा, अब जरा हाथ ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए। ये क्या कर रही है? इससे बेहतर पोस्टर लगाने के लिए जगह कौन सी हो सकती है? सबको पता है हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग इन्हीं को देखते हैं। और वैसे भी इस जगह को खाली रख के आप करेंगे क्या? मशरूम उगाएंगे? डॉक्टर के मिसिंग की खबर तो मिठाई के साथ देनी चाहिए तुझे। ये तो दिवाली वाली खबर है, दिवाली की खुशी मनाओ, डॉक्टर तुम्हारा गायब हो गया है। आपको शर्म नहीं आती है? डॉक्टर मशहूर गुलाटी गायब हो गए, आपको मजाक सूझ रहा है? तो सूझने का ठेका तुम ही ने लिया है। कोई मिसिंग नहीं है, पागलों को पकड़ने वाली गाड़ी घूम रही थी और ले गए होंगे पकड़ के उसको। ये बड़ी वाहियात बात की है आपने। आपको शायद पता नहीं है हमारे पूरे मोहल्ले के नंबर वन डॉक्टर हैं वो। नंबर वन तो होंगे ही, एक्चुअली दूसरा कोई है भी नहीं। इतनी ज्यादा भी इज्जत नहीं करती मैं उनकी। खैर, लेकिन रात को जब कोई बीमार पड़ता है सबसे पहले डॉक्टर मशहूर गुलाटी को याद किया जाता है। कोई याद नहीं करता, उसके पास तो कोई मोच निकलवाने नहीं जाता। एक आदमी को मोच आ गई पैर में, कहता इससे पहले मोच पूरे शरीर में फैले काट दो इसको। तो पता ही कुछ नहीं है, पैर काटने को बोल रहा है बदतमीज डॉक्टर। रात को जब कोई बीमार पड़ता है सबसे पहले डॉक्टर मशहूर गुलाटी को याद किया जाता है। कोई याद नहीं करता, उसके पास तो कोई मोच निकलवाने नहीं जाता। एक आदमी को मोच आ गई पैर में, कहता इससे पहले मोच पूरे शरीर में फैले काट दो इसको। तो पता ही कुछ नहीं है, पैर काटने को बोल रहा है बदतमीज डॉक्टर। ये पैर की मोच नहीं, आपकी डॉक्टर मशहूर गुलाटी के प्रति गंदी सोच है। मुझे तो सोच सोच के भी घबराहट हो रही है। डॉक्टर मशहूर गुलाटी किस हाल में होंगे? तेरी हंसी क्यों निकल रही है इतनी? मैं रो रही हूँ। लाना तो तेरे रोने पे, फिर तेरा रोना देख के मेरी हंसी निकल रही थी। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एक ऑपरेशन किया था, वो थोड़ा सा गलत हो गया है। एक लड़के का कान उन्होंने यहाँ से निकाल के यहाँ पे लगा दिया। उस बेचारे को फोन आते उसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बात यहाँ से करते है, सुनता यहाँ से, फिर बात यहाँ से करते तो उसको बोला अपना रिसीवर ऐसे कर ले, इधर से सुन ले। एक्चुअली सेम आइडिया मैंने उसे दिया, तो मेरे चेहरे पे मूंछ लगा के उसने मुझे बहुत मारा। तुम्हारे चेहरे पे मूंछ लगा के क्यों मारा? क्योंकि कह रहा था कि वो लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता। लेकिन कमाल की बात देखिए, मैंने मूंछ हटा दी, उसके बाद भी उसने मुझे मारा। उसको अंदर की सच्चाई पता चल गई होगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।